गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड। तो यार हमारी हो चुकी है सुबह, सो के उठे मस्त, हमने शावर लिया, फ्रेश हुए और हम निकले अभी बाहर। ये है आमिश और रवीश से जो मिले थे उनका छोटा भाई और मेरा कज़न आमिश। सो ये यहाँ रहता है पुणे में ही और ये उनके फ्रेंड्स दोनों फ्लैटमेट। तो हम चारों निकल रहे हैं अभी बाहर। पहले तो प्लान यार कुछ खाया नहीं क्योंकि आज घर पर भी कुछ बना नहीं था, सारे ही दिन भर हम सोए हैं। तो फिलहाल हम निकल रहे हैं, पहले कुछ खाएंगे और खाने के बाद हमारा प्लान है थोड़ा सा या तो सिटी में रहें या फिर सीधा लोनावला, क्योंकि आज संडे ज़्यादा कुछ है नहीं करने को। मेरा भी काम कल है मंडे को, तो आज हम फ्री हैं, सारे ही फ्री हैं हम। तो घर पे तो रहना नहीं है, फ्री है तो बोले चलो थोड़ा सा लोनावला पहले राउंड मार के आया जाए। सो क्या कहते हो, लोनावला डन? ऑलवेज डन। तो फिलहाल हम बुक करेंगे सेल्फ ड्राइव कार, जूम कार, और उसके बाद फिर हम लोनावला निकलेंगे या सेंगढ़ की तरफ निकलेंगे, तो वो देखते हैं। पहले फिलहाल निकलते हैं और मैं मिलता हूँ आप सबको आगे। फिलहाल हम खड़े हैं रोड साइड पे, यहाँ काफ़ी शोर है यहाँ पे और हम वेट कर रहे हैं अपने जूम कार का। पिकअप पॉइंट अंदर है तो ड्राइवर गाड़ी लेके यहाँ आ रहा है। जूम कार नहीं है एक्चुअली, ड्राइव जी है। सो आमिश के कोई टीचर मिल गए हैं तो वो पीछे कर रहा है बात यहाँ पे। सो फिलहाल जल्दी से गाड़ी लेते हैं और मैं इंजॉय कर रहा हूँ वड़ा पाव, क्योंकि बहुत क्रेविंग हो रही थी आऊँ और जल्दी से वड़ा पाव खाऊँ। सो फिलहाल गाड़ी लेते हैं और चलते हैं आगे। At Pune Mumbai Expressway and it's always fun to drive on this expressway. यार बहुत प्यारा व्यू मिलता है, रोड बहुत प्यारी है, स्पीड लिमिट का कोई चाप नहीं है, जितना चाहो उतना चाहो। सो फिलहाल तो वेदर बहुत अच्छा था, हल्की हल्की धूप निकली थी, बहुत प्लेजेंट वेदर है। बट अभी जैसे जैसे हम लोनावला प्रोसीड कर रहे हैं, लोनावला की तरफ बढ़ रहे हैं, तो हल्की हल्की बारिश होने की चांसेस हो चुकी है। और यार जब तक बारिश नहीं हो तब तक मज़ा क्या आएगा। जैसे मैंने बोला हल्की हल्की ड्रिजल स्टार्ट हो गई है, ये देखो हल्की हल्की ड्रिजलिंग हो चुकी है स्टार्ट और मैं कर रहा हूँ ड्राइव। सो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले पहुँचता हूँ लोनावला और उसके बाद मैं मिलता हूँ आप सबसे। बहुत बड़ा पोपट, इतना बड़ा पोपट, लाइफ यार इतनी गजी, किस्मत खराब चल रही है। हम आए बिल्कुल एकदम पॉइंट तक, फिर वहाँ पे हाई सिक्योरिटी, मतलब किसी को एंट्री नहीं दे रहा है, क्योंकि जो मुल्शी डैम है वो डैम ओवरफ्लो कर गया है जिसके वजह से वो रास्ता उन्होंने बंद कर दिया है, सारी गाड़ियों को वापस घुमा दिया है। तो अब हम खड़े हुए हैं, रास्ता देख रहे हैं कहीं और अल्टरनेट तो है नहीं, टाइगर पॉइंट के लिए बस वही एक रास्ता है, बट खंडाला हम जा सकते हैं। सो फिलहाल हम देख रहे हैं कि हम क्या करें, खंडाला जाएं, क्योंकि टाइम ऑलरेडी ज़्यादा हो चुकी है, अराउंड 5 बज चुके हैं। सो वहाँ जाना वर्थ होगा या फिर जो भी है जैसा भी है देखते हैं। फिलहाल तो यार मूड बहुत ख़राब हो चुका है हमारा। आमिश क्या क्यों सीन है? कह रहा हूँ बिल्कुल टाक्टू सीन यही है कि मुशी डैम बंद है। हाँ उसके बाद सॉरी लोनावला बंद है। अब क्या ही करना है, कहीं देखते हैं, खंडाला जाएंगे। खंडाला जाएंगे। सो फिलहाल हम यहाँ हैं, भुट्टा खाने के लिए हम रुके हैं, भुट्टा खाएंगे उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे, देखते हैं क्या प्लान है। जो भी है यार फिलहाल तो हमारी मूड की लग चुकी है वाट, क्योंकि जाने का बहुत मन था। फाइन जो लगा, हाँ फाइन लगा, ऊपर से ये जो हमारी जूम कार इसका फास्टैग नहीं था तो टोल टैक्स भी हमने डबल दिया है, 260 की जगह 500 रुपये दे के हम आए, 520 दे के आए ताकि हम घूम सकें, बट यार यहाँ आना भी वेस्ट हो गया। 350 उसका भी एक्स्ट्रा गाड़ी का डिलीवरी चार्ज, हर जगह से आज लग रही है आज का दिन ठीक नहीं लेकिन है। आप वो व्यू दिखा सकते हैं, लेकिन फिलहाल ये देखो आमिश बोलता है कि ये व्यू दिखा सकते हैं, यार ये व्यू से अच्छा तो ऊपर था। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम
नेक्स्ट टाइम फिर कहाँ टाइम, अभी फिलहाल है पुणे में है, एक राउंड लग जाएगा, देखते हैं पता करते हैं। तो फिलहाल हम बढ़ेंगे खाएंगे और बढ़ेंगे खंडाले की तरफ, क्योंकि वहाँ से भी व्यू जो है सिमिलर है, जो टाइगर पॉइंट से जो व्यू है वो इस तरफ से है और खंडाला में ऑपोजिट साइड से है। सो फिलहाल हम चलते हैं खंडाला की तरफ, भुट्टा खाते हैं और फिर निकलते हैं, मिलते हैं आगे। ये दोनों भी अलग लगे हुए हैं अपना, ये दोनों कहाँ गए, ये दोनों तो यार जो है खाते हैं फिर चलते हैं। ये देख रहे हो ये है ये इस इंसान ने खाया है, इस इंसान ने, शक्ल दिखा भाई, शक्ल दिखा अपनी, अपने गंदी सी शक्ल दिखा दे जल्दी से इतने गंदे तरीके से ना, इतने गंदे तरीके से कौन खाता है? आप ही तो खाए। मैं खाया किसके हाथ में? मैं तो हाथ में पकड़ूंगी वाला। अच्छा हम आ गए हैं मैप्रो और ये एक सारे फ्रूट्स का प्लांटेशन होता है, जूस और जो भी बहुत सारी चीज़ें बनते हैं, स्पेशली ये पहले महाबलेश्वर में था, स्ट्रॉबेरीज़ के वैराइटीज़ और बाकी चीज़ें, बट महाबलेश्वर से ये अभी लोनावला आया है, उसका एक ब्रांच आया है, ताकि लोग जो महाबलेश्वर इतना दूर जाते थे देखने के लिए, व्यू तो ऑल एक अलग चीज़ है महाबलेश्वर के लिए, बट ये एक स्पेशलिटी है वहाँ की। व्यू बहुत अच्छा है पीछे, यहाँ पे सारे फ़ोटोज़ ले रहे हैं, ये लोग यहाँ खड़े हैं फ़ोटोज़ ले रहे हैं और मैं आया आप लोगों से बात करने के लिए। सो फिलहाल यहाँ पे बहुत बड़ा फ़ैन है, बहुत ही अच्छा सा, बहुत ही बड़ा है। सो अभी क्या करना है कि थोड़ा सा गार्डन घूमेंगे, प्लांटेशन देखेंगे, जूस वगैरह का फॉर्मेशन देखेंगे। और यार आज तो और कुछ मेरे को इधर लगता नहीं कि लोनावला में कुछ होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी पोपट हो गया हमारा, सीधा सीधा पोपट हुआ है। सो फिलहाल अब हम क्या करेंगे, यहाँ घूमेंगे और उसके बाद चलते हैं कि कहाँ आगे जाना है या क्या प्लान करना है। प्लान तो था खंडाला की तरफ वैली जाने का, बट इट्स ऑलरेडी लेट और मैं हूँ अभी 4-5 दिन यहाँ पे, सो 4-5 दिन में एक राउंड तो लग ही जाएगा। तो यह अच्छा जगह है, इन्वायरमेंट अच्छा है, काफ़ी लोग हैं और अच्छी बात ये है कि बारिश नहीं हो रही है। तो फिलहाल घूमते हैं यहाँ से और उसके बाद चलते हैं आगे। मैं आया इस तरफ से और ये तीनों उधर से आ रहे हैं, तो अच्छा है, ये फाउंटेन छोटा सा है फ़ोटोशूट के लिए, चलते हैं कुछ फ़ोटोज़ वगैरह लेते हैं। सो यहाँ पे हमें दिखा कुछ अलग, ये वांटेड है फॉर हैविंग टू मच फन एट मैप। आज स्ट्रॉबेरी बनने का बड़ा शौक है, वहाँ भी स्ट्रॉबेरी में पीछे फ़ोटो खिंचाया और यहाँ हमेशा भी घुस गया है स्ट्रॉबेरी में स्ट्रॉबेरी में घुसा है ये दोनों मजाक उड़ा रहे इसका नहीं क्यों आमिश आमिश ये मजाक बना रहे तुम्हारा पिटाई होगी बाद में चलो फिलहाल फोटोज लेते हैं कुछ और उसके बाद निकलते हैं। यार ये भी कुछ किया था, एक अलग ही याद रहेगा, लोनावला है और कुछ तो अलग करके गए थे। यार हम पहुँचे हैं तालेगांव, गए थे हम लोनावला जो कि टाइगर पॉइंट हमें मिला नहीं, प्रॉब्लम होती रहती है तो ओवरफ्लो की वजह से हमें नहीं मिला एक्सेस टाइगर पॉइंट का। बट ये जो हाईवे हमने किया है, ये हाईवे हमने किया है फर्स्ट टाइम, यूजुअली हम एक्सप्रेसवे से आना जाना करते हैं, बट ये ओल्ड हाईवे हमने फर्स्ट टाइम लिया और बहुत ही प्यारा व्यू है। इस वीडियो में व्यू मैं सारा अटैच करूँगा। अभी भी जहाँ हम चाय के लिए रुके हैं, पीछे व्यू जो है वो बहुत ही प्यारा है। सो फिलहाल हम थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और एक शॉर्ट ड्राइव हो गया, थोड़ा सा एंजॉय किया सब साथ में, अच्छा लगा। सो फिलहाल पीते हैं चाय और सब बात करते हैं। ये बड़ा अच्छा कार को अपने डांस करा रहा था, ये देखो ये बंदा बेचारा डांस करा रहा था और डांस करवाने के बाद ये उतरा और फिर से बोला फिर से करो क्या, मैं बोला फिर से कर, तो वो जाके फिर से गाड़ी को देखो डांस करा रहा है ये। अरे जबरदस्त, मजा आ गया दोस्त, मजा आ गया ऑसम भाई ऑसम, बहुत बढ़िया चलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यार सुबह हो गई, कल रात हम आए और
आने के बाद थोड़ा सा सिटी का वॉक अराउंड लिया, क्योंकि गाड़ी हमें 11:30 बजे देनी थी। थोड़ा सिटी घूमे, रात को लेट हो गया, खाना वाना खाया बाहर ही आए, फ़ोन बिल्कुल ही चार्ज नहीं था, 1% पे फ़ोन लगाया हूँ, लेटा हूँ और वेदर इतना प्यारा था, हल्की हवा चल रही थी, ठंड, फ़ैन ऑन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी और मैं सो गया। और मैं सीधे सुबह उठ रहा हूँ, अभी टाइम हो रहा है 7:30, तो मुझे जाना है थोड़ा ऑफिस, वहाँ जाएंगे और उसके बाद फिर मैं आपसे मिलूँगा। सो ये व्लॉग रखते हैं यहीं तक, आपको यहाँ तक व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें क्योंकि मैं ज़्यादा वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर लाइव एंड लेटेस्ट अपडेट्स, एंड मिलते हैं अगले व्लॉग में, बाय बाय।